गाइस बस अब इस प्राइवेट ऑडिशन से बोलो इस तरह आज हम पहुँचे हैं मोराबादी और कहाँ गया भाई। तो मेरे पीछे जो भीड़ देख रहे हो ना, तो आज है 9 अगस्त और आज है वर्ल्ड इंडिजीनियस डे यानी विश्व आदिवासी दिवस। तो अभी सभी रैली निकलेंगे अभी जस्ट मोराबादी के सामने सभी लगभग ग्रुप्स आ गए हैं एंड लेडी राइडर अभी दिखाते हैं अपने ट्राइबल लेडीज और आज आप लोग रैली निकाल रहे हैं, क्या आप लोग का उद्देश्य है? ये मुख्यतः उद्देश्य भैया जो विश्व आदिवासी दिवस जो इस बार की जो मतलब कि मैसेज है संदेश हम देना चाहते हैं कि लगातार जो देश और राज्य में जो घटनाएं घट रही है हमारे आदिवासी समाज के साथ में, तो आज हम किसी प्रकार का हम लोग नाच गान नहीं लेकिन एक आक्रोश और विरोध हम लोग यहां पर जताने के लिए सड़क पर उतरे हैं, जिसका आप देख रहे हैं यहां पर देखिए सब युवा साथी। अरे क्या बताएं, ये खाली सोशल मीडिया के द्वारा आह्वान किया गया था, हम लोग कहीं गांव टोला माला कहीं नहीं कहते, लेकिन जितना भीड़ आज देख रहे हैं यहाँ पर ये सोशल मीडिया और एक जागरूकता का समझिए एक मतलब की निशानी है और सब युवा साथी यहाँ पर आए हैं। तो हम आज का एक यही मैसेज देना चाहते हैं कि बहुत हो गया अब, लेकिन अब हमें सड़क पर उतरना है, अपने हक अधिकार के लिए आगे आना होगा, खासकर युवा अगुवा को युवा समाज को आगे आना होगा, तो ही हमारा समाज में एक बदलाव होगा। नारी सुरक्षा के लिए कुछ एकदम वही तो बोल रहे, मणिपुर में जिस प्रकार की घटना घटा हमारे देखिए बहन भी आए हैं, कुछ बहन लोग आए हैं हमारे बीच में, तो नारी सुरक्षा के लिए भी हम लोग आए हैं। झारखंड में भी लगातार जिस प्रकार की हमारी बहनों के साथ में जो दुष्कर्म बलात्कार जिस प्रकार की हो रही है, हम किसी सरकार के पक्ष में ना किसी के विपक्ष में, हम केंद्र हो या राज्य हो दोनों सरकार के खिलाफ आज हम सड़क पर उतरे हैं। विश्व आदिवासी दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज के लिए कुछ संदेश? आज बहुत खुशी और उत्सव का महोत्सव है क्योंकि हम लोग आज आदिवासी दिवस मना रहे हैं। 9 अगस्त हम लोग का पूरा विश्व में मतलब भारत देश में आज आदिवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसको हम लोग आदिवासी एकता समूह को और बढ़ावा देने के लिए हम लोग यहाँ पर जुटे हुए हैं। आज आदिवासी दिवस है, आदिवासी दिवस है, आज तो हम लोग आए हैं अपना आदिवासियों के लिए मतलब आवाज़ उठाने के लिए कि जितना भी हम लोग जो अत्याचार किया जा रहा है हमारे आदिवासी भाई बहनों पर, उसके लिए हम लोग आए हुए हैं। और हमारे झारखंड सरकार से यही उम्मीद रहेगा कि ऐसा हो, आगे बार से ना हो। का मिला हमारे उधर से नेता जी, सभी झारखंड वासियों को आज के लिए कुछ संदेश दो। अच्छे से मनाए और खुशहाली जिंदगी जिए। कैसा लग रहा है राइड करने का? बहुत मजा आने वाला है। कुछ बताइए कुछ आज के दिन के लिए? आज के दिन में सबको जमा हुए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। आज आदिवासी विश्व आदिवासी दिवस है, तो मतलब हम लोग जुलूस करने वाले हैं अपने हक के लिए, अपने जल जंगल जमीन के लिए लड़ाई करने वाले हैं। यहाँ पर उपस्थित मेरे भाई बहनों का आज कुछ बताइए। देखिए हम लोग आज आदिवासी दिवस एक हम लोग विरोध दिवस के रूप में मना रहे हैं, पूरे देश में जो घटनाएं हो रही है आदिवासी के खिलाफ उसके विरोध में हम लोग आक्रोश व्यक्त करने के लिए आज सड़क पे आदिवासी एकता दिखाने के लिए बाइक रैली के माध्यम से विश्व आदिवासी दिवस मना रहे हैं। देखिए मणिपुर की जो घटना है वैसे घटना की समाज में कोई जगह नहीं है, आजाद भारत में इस तरह का पहले बार घटना हुआ है जहाँ पर महिला को नंगा करके घुमाया जा रहा है और उसका गैंग रेप किया जा रहा है। तो इस तरह का जो उत्पीड़न केंद्र सरकार द्वारा किया जा रहा है लगातार उनके राज्यों में, ये कहीं से भी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और आने वाला चुनाव में हम भाजपा सरकार को उखाड़ के फेंकने का काम करेंगे। युवा को संदेश हम यही देंगे कि आदिवासी एकता बनाए रखें, आदिवासी एकता का परिचय दें और अपना हक और अधिकार को के लिए लड़िए, क्योंकि हम लोग का जल जंगल जमीन से लेकर रोजी रोजगार और माटी बेटी सब में हमला किया जा रहा है, तो आदिवासी युवाओं को फिर से एकजुट होकर संघर्ष करने की जरूरत है। आदिवासी आदिवासी एकता जिंदाबाद। आज आदिवासी दिवस है, विश्व आदिवासी दिवस है। आज का दिन हमारे जितने भी लोग हैं, हमारे जो आदिवासी लोग, हम लोग एक तरह का जागरूकता फैलाने लगे कि आदिवासी दिवस में हम लोग अपने लोगों को यही बताना चाहते हैं कि जो हमारे अधिकार हैं, जो सरकार के अधीन मतलब केंद्र सरकार से हट के जो हम लोग को अधिकार दिया गया है, जो 5वीं अनुसूची में आता है, जो पढ़ा व्यवस्था है, उस चीज़ को हम लोग को अपने आदिवासियों के युवाओं के बीच में मतलब कि बताने की जरूरत है। जोहार। अरे कुछ बताइए आज
आज हम लोग महीना है और आप सेलिब्रेशन कर रहे हैं, क्या सेलिब्रेशन कर रहे हैं? हम लोग सेलिब्रेशन के लिए नहीं, अपना एकता और शक्ति को दिखाने के लिए एक रैली कर रहे हैं, जिसके माध्यम से हम लोग पूरे देश में एक संदेश भेजना चाहते हैं कि पूरे देश में हम लोग आदिवासियों के साथ, चाहे मणिपुर हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, जहाँ भी हमारे लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, वो अकेले नहीं है, हमारे लोग के साथ झारखंड के लोग भी साथ में हैं और हम लोग इस दिन आज के विशाल दिवस मना के ये संदेश दे रहे हैं कि तमाम युवा भाई बहन नहीं मनाएंगे, आज विरोध करेंगे और तमाम बुरी शक्तियों को बता देना चाहते हैं हम लोग एक हैं और हम लोग उनसे लड़ने भिड़ने के लिए भी तैयार हैं, ताकि जय आदिवासी। आज का दिन बहुत ही हर्ष और उल्लास का दिन है, कुछ कहना चाहेंगे आज का दिन? आज बहुत हर्ष उल्लास का दिन है, लेकिन निश्चित तौर पर जिस प्रकार हम आदिवासी समाज यूनियन दिया गया था, जिस पर आदिवासी इस दिन को बहुत ही हर्ष उल्लास के साथ मनाता था, लेकिन इस बार जिस प्रकार पूरे राज्य और देश में आदिवासियों के साथ शोषण अत्याचार हो रही, मणिपुर जैसे घटना को आप देख रहे हैं, MP से घटना देख रही है कि आदिवासियों पर पेशाब किया जाए, आदिवासी माँ बेटियों के साथ अत्याचार, शोषण, रेप हो रहा है, लगातार आदिवासियों को मान सम्मान को क्षति पहुँचाया जा रहा है, इसलिए आज इस दिन को हम लोग पूरे आदिवासी संगठन के युवा लोग आक्रोश दिवस के रूप में मना रहे हैं। आज हम लोग पूरा युवा आक्रोशित है इस बात से कि इस देश और राज्य में आदिवासियों के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है, आदिवासियों को मान सम्मान को क्षति पहुंचाया जा रहा है, इसलिए आज आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य पर हम लोग आक्रोश बाइक रैली निकाल रहे हैं और युवाओं को अपने भाषा, संस्कृति, मान सम्मान, उनके हक अधिकार के लिए, जल जंगल जमीन की रक्षा के लिए आदिवासी युवाओं को एकजुट करने और आह्वान करके संकल्प लेने का इस दिन को हम लोग मना रहे हैं। महिला सुरक्षा के लिए कोई सरकार को संदेश? सरकार से यह अपील करते हैं, देश और राज्य आदिवासी इस देश का मूल निवासी है और सरकार जिस प्रकार यहाँ कहती है बार बार कि आदिवासी इस देश का असली मालिक है, सरकार से आह्वान करते हैं कि आदिवासियों की सुरक्षा के लिए आप विशेष ध्यान दें, अन्यथा आदिवासी अपनी सुरक्षा, अपने मान सम्मान को बचाने के लिए खुद में सक्षम है। विश्व आदिवासी दिवस सेलिब्रेशन प्लस आक्रोश रैली निकाला गया, ऑल ट्राइबल राज्य में बैठे लोगों को उनके कान तक हमारी आवाज जानी चाहिए, इसलिए सबको आहिस्ता आहिस्ता धीरे माले अर्पण करके सिद्धू कान्हू पार्क में अपन लोग माले अर्पण करेंगे एंड मेरे साथ जस्ट यहाँ का माल्यार्पण हो गया एंड अभी चलेंगे सीधे मेन रोड की ओर, तो वहीं मिलते हैं और बने रहो मेरे साथ। आवाज तो हम एक हैं। जो आदिवासी से टकराएगा,
हम लोग चल रहे हैं अरू बाईपास होते हुए हरगोड़ा चौक, हरगोड़ा चौक के पास भी वहाँ पर माल्यार्पण करा जाएगा। फिर इसके बाद लास्ट में आप करेगा बिरसा चौक, तो बिरसा चौक पर बिरसा हमारे वीर शहीद को भी माल्यार्पण करा जाएगा। तो आगे चलते हैं,
अभी जस्ट हम लोग पहुंचे हैं संग्रहालय और यू कैन सी दैट क्या मस्त नज़ारा। तो ये है बिरसा मुंडा जी का स्टैचू एंड ये जेल, क्या मस्त है। आ जाएंगे फोटो शूट कर लेते हैं। तो अभी जस्ट हम लोग पहुंच चुके हैं संग्रहालय के अंदर का और ये सीन है। एंड अभी बहुत सा कुछ नया नया स्टॉल्स वगैरह लगाया गया है, देखते हैं कैसा रहेगा, है ना। तो हमारे सीएम हेमंत सोरेन जी का धन्यवाद और सभी को जोहार। ये तो मोरबादी ग्राउंड बन गया नहीं,
में क्या रस है, तो हेमंत सोरेन जी आए हुए हैं, क्या बोले, जबरदस्त। तो फाइनली अपन लोग बाहर निकल चुके हैं और ये नज़ारा दिखाते हैं भाई किस तरह से है संग्रहालय पार्क। चलो एक राउंड मारते हैं, क्या क्या देख लिया जाए, फिर निकलेंगे। चाट लगी है सर, कौन सोचा था इतना ज़्यादा भीड़ होने वाला है। अब पार्क का वाट लगने वाला है, क्या लग रहा है, बढ़िया है ना, आप फील हो रहा है कि कर्मा से ज़्यादा। तो मेरे सामने कैफेटेरिया है बहुत सर, जैसे तो खाने ही लाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है क्या?
क्या दिखाएंगे, मार चल रहा, लाइन अप लगा हुआ। देखो बच्चे आके लड़के आगे बढ़ते भैया फोटो खींच लेना, हमें इससे ज़्यादा सामने एक बार मैं रुक जाए अपना तो ले लें पहले फिर बाद में। क्या क्या आइटम मिल रहा है, तो आदिवासी व्यंजन यहाँ पर देख सकते हो भाई, पूरा हैवी हो रहा है। क्या क्या 50 रुपये का बोलू करता आमने है सर, फुल ट्रेडिशनल छिलका रोटी एंड पत्ता का सब्जी। मैडम कैसा हुआ, टिश्यू पेपर है, टिश्यू पेपर है, टिश्यू पेपर कहाँ धोएंगे पानी। कहाँ से आप लोग घूम रहे क्या, बाप रखते दूर से, कब कल ही आए थे क्या, आज ही आए, इसको क्या बोलते हैं, रोटी का टेस्ट करेंगे आज। सामने और बैक साइड आप देख सकते हो कि संग्रहालय में आपका व्यंजन का स्टॉल लगा हुआ, आदिवासी व्यंजन, ट्राइबल व्यंजन। तो और भी कुछ कंटेंट्स वगैरह दिखाते हैं कैसा रहेगा। आदिवासी लुगा, तो आदिवासी लुगा यहाँ पर मिल रहा है, आप यू कैन सी श्रृंगार वाला आइटम है ना, पर कपड़ा के ले सकते हो, नॉट से ड्रेस तो मेरा इस तरफ अगर अभी इधर जाएंगे देखेंगे सीधे जेल है, म्यूजियम वगैरह, हेल्प डेस्क, अब लगभग चलने का टाइम आ चुका है, इधर चले इधर से। अब आज सब हो जाएगा, पर चल जगह दो भाई। तो ये सामने जितने भी कैदी लोग को रखता था यहाँ पर रखा जाता था कैदी वगैरह, तो दिखाते हैं कुछ समथिंग कि कहाँ पर कैदी लोग को रखा जाता था। ये जो गेट दिख रहा दरवाज़ा, इसके अंदर सारा कैदी लोग को रखा जाता है। एंड यहाँ पर म्यूजियम जैसा कुछ बनाया गया, अभी बहुत ज़्यादा हैवी रश है, तो यू कैन सी दैट अभी स्टैचू वगैरह बहुत कुछ पार्क में तब्दील कर दिया गया। यहाँ देख लेते हैं ग्राउंड में, तो लग रहा है कि आप क्या दोस्त लग रहे हो, सही रहिए ये जगह अच्छी है। नहीं करना ऐसा मत से करना, उसे हो नहीं रहा, आप क्या ही बोल रहे हो। तो वाह, तो लगभग आज का वीडियो लगभग कंप्लीट हो चुका है, और ये वीडियो ज़रूर देखो और शेयर सब्सक्राइब करो भाई, बड़ा मेहनत से बना है ये आदिवासी दिवस, विश्व आदिवासी दिवस।
तो प्लीज डू लाइक सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल रोडिस रामशिव व्लॉग्स। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग्स में, इसी तरह का कुछ कंटेंट आएगा एंड आगे चलते हैं। मेन रोड का माहौल देख सकते हो किस तरह से, नजारा है कुछ।